गुड आफ्टरनून माय ऑल फ्रेंड्स, मैं ज्योतिका। आज दोपहर का लंच हम सिंपल सा फिश फ्राई बनाती हूँ और वेजिटेबल राइस बनाती हूँ। ये समुंदर का एक टाइप का फिश है और इसमें हम गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और येलो पाउडर और थोड़ा सा चिली, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट देके हम 5 मिनट्स के लिए मैरिनेशन किया था। तो अभी यही फिश फ्राई बनाती हूँ। और वो राइस का जो इंग्रेडिएंट्स है वो बीन्स है, कैरेट और वो ग्रीन पीस है, कैप्सिकम है और दो छोटा ऑनियन मैं चॉप करके रखी और ये कैशियो नट्स है और घी में ये राइस प्लेन सिंपल से फ्राइड राइस हम बनाऊंगी। और ये फिश का जो है घी में मैं फोरन में डालती हूँ 2 तेज़पत्ता और 1 मीडियम सिनेमन स्टिक और 4-5 छोटे इलायची और 4-5 लौंग, बस ये मैं फोरन में डालती हूँ। गैस मीडियम स्लो रखना, नहीं तो ये जल जाएगा गरम मसाला जो है। अभी मैं ये ऑनियन डाल देती हूँ। अंदर बीन्स भी डाल दिया, अभी मैं कैरेट डाल देती हूँ। कैरेट, बीन्स और कैशियो नट भी इसका अंदर मैं डाल दी। ये 2-3 मिनट सौते करने के बाद मैं ग्रीन पीस भी डाल देती हूँ। गैस कभी कभी मीडियम हाई करना, कभी कभी मीडियम स्लो करना। अभी ये कैप्सिकम,
और ग्रीन चिली है, थ्री ग्रीन चिली, मैं चॉप नहीं किया, जस्ट ऐसा करके हम पीस पीस कर दिया। और एक बात मैं भूल गई आप लोगों को बोलने के लिए, सॉल्ट, सॉल्ट अपने हिसाब से आप दे देना जितना खाना है। कोई सॉल्ट ज़्यादा खाता है, कोई कम ही खाता है, कोई मीडियम खाता है, हम तो सॉल्ट मीडियम खाता है। अभी जो मेरा गैस है ना मीडियम हाई में है, वेजिटेबल थोड़ा सा फ्राई करने के बाद क्या होता है ना अच्छा खुशबू आता है, उसके बाद मैं अभी राइस डालेंगे इसमें। इसमें राइस में पहले 10 मिनट पहले मैं भिगो के रखी थी, क्योंकि ना राइस अच्छा से लंबा लंबा राइस जब बनेगा ना अच्छा होगा, लंबा लंबा आएगा और जल्दी भी हो जाएगा आपको। राइस डालने का, बासमती बिरयानी जो राइस है वही मैं बनाती हूँ। राइस डालने के बाद आपको थोड़ा स्लो इसका हिलाना है, नहीं तो राइस टूट सकता है। और अभी गैस मीडियम स्लो पे हम रखा, अभी मैं सॉल्ट डालती हूँ। स्मॉल स्पून जो है ना ऊंचाई नहीं है, एकदम समान समान 2 स्पून का सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि ना राइस है ना ये थोड़ा नहीं तो कमती हो सकता है। अभी मैं पानी डाल दूंगी इसमें, पानी में लिटिल गरम करके रखती, थोड़ा गरम करके रखती हूँ, क्योंकि ना ठंडा पानी डालने से राइस थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। और हमारा राइस का हिसाब से 1.5 कप मतलब 1 कप और 1/2 कप राइस है, तो हम और इसका अंदर सब्जी भी है ना, थोड़ा बीन्स और कैरेट भी है, वो भी थोड़ा बॉयल होना चाहिए, तो हम 1/2 कप पानी हम ले ली थी। राइस डालने के बाद आप तुरंत गैस को एकदम धीमे कर देना, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज आफ्टरनून का लंच आज बन गया, रेडी भी हो गया। आपको तो दिखाया था ये सिंपल सा एक फिश फ्राई और ये वेजिटेबल राइस, पुलाव का टाइप ही है लेकिन पुलाव नहीं, वेजिटेबल राइस ही है, और खट्टा योगर्ट है और क्यूकम्बर और थोड़ा सा फ्रूट्स है। ये मेरा आज आफ्टरनून का लंच। और हम लोगों का परिवार से आज एक अनाउंस है आप लोगों के लिए, जितना मेरा
मुस्लिम भाई बहनों, मेरा दोस्त और मुस्लिम दोस्त, माता पिता और मेरी छोटी छोटी जो बच्ची लोग है, सबको हम लोगों का हमारा परिवार की तरफ से ईद मुबारक। क्योंकि ना आज अबू धाबी में खुशी का ईद है, तो सबका ईद मुबारक में मेरा परिवार का तरफ से आप लोगों से है। तो आज मैं यही मेरा ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर ये ब्लॉग ये खाना आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिए। और एक बात है, ये सब खाना जितना जो खाना मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप घर में बना के एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अच्छा लग जाता है तो मेरा जो नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। क्योंकि ना उसी से मेरा और मैं और आगे बढ़ूँगी, हमको भी खुशी आएगा जे हमारा ये खाना आप लोगों की बना आप लोग बना के आप लोगों को भी अच्छा लगा। तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है।